तो दोस्तों यहाँ पर हमें ख़रीदना था एक फ़ोन, और जैसे मैं फ्लिपकार्ट पर सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा था ये नॉट डिलीवरेबल। ठीक है, यहाँ पर जो है मुझे फ़ोन ख़रीदना है बट यहाँ पर नहीं है। मैंने सोचा दूसरा वाला ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर इसकी रैम वगैरह अच्छी है और प्राइस भी लगभग मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा है, सेम टू सेम ही लगेगी। तो यहाँ पर हम इसको भी चेक करते हैं तो यहाँ पर भी यही लिखा था है नॉट डिलीवरेबल। तो मतलब यहाँ पर आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स करोगे जानेंगे, उससे पहले ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर रियलमी का ये डिवाइस है, आप अलग अलग फ़ोन के हिसाब से, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देते हैं और जानते हैं और इसमें क्या दिक्कत है या फिर क्यों इस तरह से लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब ये नहीं ले रहा है हमारे यहाँ पर। जैसे मैं पिन कोड भी डाल देता हूँ और जैसे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर है करंटली आउट ऑफ द स्टॉक इन दिस एरिया। मतलब इसका क्या है और सॉल्व कैसे होगी? तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एरिया है, लोकेशन है, वहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वहाँ पर डिलीवर नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले जो प्रोडक्ट बाई करते हैं, फ्लिपकार्ट वाले दूसरों से प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके आसपास एरिया से ही वो प्रोडक्ट जो है बाय करते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी मतलब शॉप होती है वहाँ से, तो बेसिकली आपके आसपास शॉप में ये डिवाइस अवेलेबल नहीं है या फिर ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अब क्या किया जा सकता है, जस्ट आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको यही जो है प्रोडक्ट का जो नेम है वो कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जस्ट आप ट्राई कीजिए, अगर आपका हो जाता है तो सही। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका नाम जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको जो है इसी प्रोडक्ट को जो है आपको फ्लिपकार्ट के अलावा मतलब अमेज़ॉन के अंदर सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर अमेज़ॉन ओपन करके यही प्रोडक्ट जो है सर्च करेंगे एंड देखते हैं कि वहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट मिल पाता है या नहीं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर इसके अंदर जो है सर्च करेंगे हम रियलमी नॉर्थो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे रियलमी नॉर्थो इसका नेम लिख देते हैं और हमें जस्ट यहाँ पर हमें चेक करना है कि यहाँ पर ये हमें मिल पाएगा या नहीं, हमारे लोकेशन पर अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यही जो प्रोडक्ट है वो हमारा अमेज़ॉन के अंदर हमें उपलब्ध है, अवेलेबल है और प्राइस भी सेम टू सेम है। तो मतलब आप यही प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन के थ्रू खरीद सकते हैं और यहाँ पर स्टॉक में भी ये प्रोडक्ट है और हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर पिन कोड भी वही मतलब वही है और अमेज़ॉन के अंदर वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यही करना है, आप सभी प्रोडक्ट जो है नहीं लीजिए बट एक आधा प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन से आप खरीद सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर मिल रहा है तो आप उसे भी बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा।